subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala ke baabarkat naam se shuru karte hain. Assalamu alaikum all of you. This is Professor Ahmed Naseem Khan and I welcome all of you in this discussion session of consumer behavior. आज के सेशन के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास है अवर व्यू ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, वो कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. फिर हम मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन और टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दिस सेशन ऑफ लेक्चर इज रिलेटेड विद कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन. तो आज हम कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं. ये दो कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. ये इन दोनों कंसेप्ट्स को ध्यान से समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आए तो आप इसे इजीली इसका आंसर दे पाएँ. सबसे पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग काफ़ी इजी और इजी है. हर कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. कंज्यूमर बिहेवियर इट इज़ अ स्टडी ऑफ बाइंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर. It helps organization to understand the preference of consumer. तो हमने क्या सीखा कि जब हम consumer behavior को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो basically जो buying behavior होता है, जब pattern होता है किसी भी consumer का, तो उसे हम consumer behavior का नाम देते हैं. इससे organization को पता लगता है कि एक consumer की liking क्या है, disliking क्या है. तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एक बाइंग पैटर्न के बेस पे डील किया जाता है. दैट मीन व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्ट, दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. और हर ऑर्गेनाइजेशन में हमने कंज्यूमर के प्रेफरेंस मतलब लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ध्यान में मस्ट रखना है. दूसरे अल्फाज में देखें, इट इज the process by which an individual search for select use dispose of goods and services in satisfaction of their needs and wants. तो सी बी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे, फिर डिसीजंस लेंगे कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वट कंज्यूमर एक्सपेक्ट, वट आर द प्रोडक्ट कंज्यूमर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ताकि हम उनके मुताबिक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें. हम कंज्यूमर के मुताबिक अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना कि अपने मुताबिक. जैसा कि हमने जनरली देखा कि इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से मुराद यहाँ ये है कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है. इससे मुराद ये है कि हम वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कंज्यूमर चाहता है, जो कंज्यूमर की डिमांड है, ना कि अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स बनाएंगे. आवर नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर. द फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर आर गोइंग टू बी नरेटेड एज अंडर. वो फैक्टर जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है सोशल फैक्टर, नंबर सेकंड पे आता है पर्सनल फैक्टर, नंबर थर्ड पे आता है कल्चरल फैक्टर, नंबर फोर पे आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, नंबर फाइव पे आता है मार्केटिंग फैक्टर, नंबर सिक्स पे आता है इकोनॉमिक फैक्टर. जी डियर स्टूडेंट्स, चलिए फैक्टर को एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू हम असेस करते हैं. जी सबसे पहले आपको वाइट बोर्ड पे नज़र शो हो रहा होगा कि फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर है हमारा सोशल फैक्टर, सेकंड वन इज पर्सनल फैक्टर, थर्ड वन इज कल्चरल फैक्टर, फोर्थ वन इज मार्केटिंग फैक्टर, फाइव वन इज इकोनॉमिक फैक्टर, सिक्स वन इज
साइकोलॉजिकल फैक्टर जी, ज़रा ध्यान से डिस्कस करते हैं। सोशल फैक्टर्स में हम देखते हैं रेफरेंसेस को, ग्रुप्स को और सोशल स्टेटस को डिस्कस किया जाता है। जब हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर की तो इसमें हम एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल को डिस्कस करते हैं। जब बात करते हैं कल्चरल फैक्टर की तो उसमें खुद कल्चर, सब कल्चर और रिलीजन जैसे एस्पेक्ट्स एज ए फैक्टर डिस्कस होते हैं। मार्केटिंग फैक्टर से मुराद बेसिकली फोर पीस है, लेकिन ये फोर पीस से मुराद प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नंबर फाइव पे जो हमारा फैक्टर करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आप देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम को, पर सेवेज और कंजम्पशन को। नंबर सिक्स पे जो हमारे पास है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल में हम जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं एटीट्यूड ऑफ पर्सन और कंज्यूमर, मोटिवेशन एंड परसेप्शन। चलिए देखते हैं वन बाय वन सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हम जानते हैं कि मैन एक सोशल एनिमल है, उसके लिए सोसाइटी से रिलेटेड बहुत से फैक्टर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जैसे हम नई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं या हमें नई प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम अपने रेफरेंस ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारे रेफरेंस ग्रुप्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं इस बारे में। जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल है, जितना भी हमारा रिलेटिव सर्कल है, जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, हम उनसे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो रेफरेंस और ग्रुप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। फैक्टर में नेक्स्ट कंपोनेंट है सोशल स्टेटस, ये भी बहुत अहम है। ये हर बंदे का सोशल स्टेटस डिफरेंट होता है। जैसे बात की जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो हर बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिफरेंट होता है। तो जैसा सोशल स्टेटस होगा वैसा ही इफ़ेक्ट कंज्यूमर के बिहेवियर पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर को डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर बहुत इजी है, जैसा कि हम जानते हैं वी ऑल अवेयर ऑफ इट, जिसको देखा जा सकता है एज वाइज, जेंडर वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, एजुकेशन वाइज एंड लाइफ स्टाइल वाइज। इसमें हम प्रोडक्ट को प्रेफर देते हैं एज वाइज, जेंडर वाइज, एजुकेशन वाइज। मिसाल के तौर पे जो एजुकेशन से मुराद ये है कि जो बंदे एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनके लिए बुक्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, वो बुक्स परचेज़ करेंगे। अगर जो बंदे एजुकेशन से रिलेट नहीं करते उनके लिए बुक्स की कोई अहमियत नहीं होगी, दे विल नॉट परचेज द बुक्स। जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की तो ऑक्यूपेशन और इनकम के ऊपर आपका ओवरऑल बिहेवियर या परचेजिंग पैटर्न को देखा जा सकता है। जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी उतना ही अच्छा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफस्टाइल। पर्सनल फैक्टर में लास्ट वन है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे होंगे तो आप ब्रांडेड परचेजिंग करेंगे, तो ये भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है वो है कल्चरल फैक्टर, जो जिसमें हम कल्चर, सब कल्चर, रिलीजन को देखते हैं। इससे मुराद ये है कि हर कल्चर और सब कल्चर में सर्टन आइडिया, सर्टन ट्रेडिशंस, सर्टन बिलीव्स होते हैं जो अकॉर्डिंगली अपने कल्चर और सब कल्चर के मुताबिक प्रोडक्ट को डील करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है वो है नंबर फोर पे मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर में हम देखते हैं फोर पीस को, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस एंड प्रमोशंस। फाइव पे जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम ये चीज़ देखते हैं इनकम, सेविंग एंड कंजम्पशन, कि आपकी इनकम को आप कैसे डिस्पोज करते हैं। सबसे पहले हाँ, कोई भी शख्स अपनी नेसेसिटीज़ पर इनकम को स्पेंड करता है, फिर वो लग्जरियस आइटम्स को परचेस करने जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप सेविंग और कंज्यूमिंग की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पर। बेटा लास्ट पे जो फैक्टर है वो है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में बेसिकली हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो है एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड परसेप्शन। एटीट्यूड्स कैसे बनता है? एटीट्यूड किसी भी शख्स के माइंडसेट और उसकी थॉट से जनरेट होता है। जब हम बात करते हैं
परसेप्शन की, तो परसेप्शन बेसिकली वे टू अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग एंड इन अवर सब्जेक्ट समथिंग इज़ प्रोडक्ट टू परचेज। मोटिवेशन से मुराद ये है कि जब भी कोई कंज्यूमर बेसिकली मोटिवेट हो जाता है तो वो उसकी बाइंग हैबिट इंक्रीज हो जाती है, वो लॉयल्टी की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट मोटिवेशन आल्सो प्ले ए वाइटल रोल एज ए फैक्टर विच अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है व्हाट इज मार्केटिंग सेगमेंटेशन। बहुत अहम है। बेसिकली व्हेन वी डिस्कस मार्केटिंग सेगमेंटेशन देन वी सी डिवाइडिंग टोटल मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स ग्रुप्स और अ स्मॉल सब मार्केट। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये एक टोटल मार्केट है, ठीक है। जब हमने इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या नाम है सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया या सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ये मार्केट नंबर 1, मार्केट नंबर 2, मार्केट नंबर 3 एंड मार्केट नंबर 4, दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर अ गुड और सर्विस इनटू अ सेवरल स्मॉल सेगमेंट्स ईच ऑफ विच ट्रेंड टू बी ए होमोजीनियस इन ऑल आर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। इससे मुराद यह है कि मार्केट के अंदर एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में लोगों की प्रेफरेंसेस एज लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट होती है। तो बेसिक ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, हम इन्हें इनकी लाइकिंग एज वाइज कल्चर वाइज इन्हें जब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो ये होमोजीनियस ग्रुप्स कहलाते हैं। हमारा इस प्रोसेस को करना मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं बेसिस जिनकी जिन पर हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन को हम करते हैं। सबसे पहली बेस जो है हमारे पास वो है डेमोग्राफिक, नंबर 2 पे जिसे हम देखते हैं वो है जियोग्राफिक, नंबर 3 पे है सोशियोग्राफिक, नंबर 4 पे है वहाँ पर साइकोलॉजिकल एंड लास्ट वन इज बिहेवियर। जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक की तो बेसिकली वी आर डिवाइडिंग द मार्केट एज पर एज, एज पर एजुकेशन, एज पर इनकम एंड एज पर फैमिली साइज। जियोग्राफिक इज नथिंग बट टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, लोकेलिटी, रूरल और अर्बन वाइज। सोशियोग्राफिक से मुराद ये है कि जब आप मार्केट को कल्चर के लिहाज से, सोसाइटी की क्लासेस के लिहाज से, एलीट क्लास, पुअर क्लास, एवरेज क्लास या रेफरेंस ग्रुप्स के लिहाज से जब आप मार्केट को डिवाइड करते हैं या सेगमेंट बना देते हैं तो उसे हम सोशियोग्राफिक एज ए बेस कंसिडर करते हैं। नंबर 4 इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में बेसिकली जब आप लोगों के लाइफ स्टाइल्स, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड्स को अंडर कंसिडरेशन रख के डिवाइड करते हैं या सेगमेंटेशन करते हैं तो आप साइकोलॉजिकल बेस को इस्तेमाल करते हैं। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि अगर आप की लाइफस्टाइल अच्छी होगी देन यू विल गो फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट। पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि अगर आप एलीट क्लास में हैं देन यू विल गो फॉर शॉप थ्रू मॉल। एंड एटीट्यूड इज समथिंग लाइक थॉट एंड बिलीव, थॉट एंड बिलीव एंड माइंडसेट ऑफ अ कंज्यूमर आर अ कस्टमर। इसकी बेस पर जब आप सेगमेंट बनाते हैं तो आप साइकोलॉजिकल बेस को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन इज बिहेवियरल बेस। इसमें आप देखते हैं कि कंज्यूमर बेसिकली विलिंगनेस रखता है बाय करने के लिए कि नहीं, उसकी ब्रांड लॉयल्टी कितनी है, यूज़र का रेट कितना है चीज़ों को बार बार परचेज करने का, इन चीज़ों को जब अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है तो बिहेवियरल बेस को इस्तेमाल किया जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ओवरव्यू ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर डैट अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर
एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन विद द बेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ahmednaseem2@gmail.com। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लेक्चर की तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।